सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आपका सहयोग बहुत बड़ा इस अवार्ड फंक्शन के लिए रौनक ला सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो फाउंडेशन है, इग्नाइटिंग ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड फाउंडेशन, जो कि 195 कंट्रीज में काम करती है, और इस फाउंडेशन का मिशन है कि हर बच्चे को सेटेलाइट और स्पेस एजुकेशन के बारे में, रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में बताना। और हम उस पर काफ़ी दिनों से काम करें और पिछले करीब 11 ईयर्स से हम इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और पिछले 3 सालों में हमने भारत के 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरेटरीज में हमने स्पेस प्रोग्राम किया और 1.5 लाख बच्चों को ये सेटेलाइट और स्पेस एजुकेशन के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ट्रेनिंग दी। हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, IIT, ISRO, DRDO से आते हैं और काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस के क्षेत्र में काम करती है वहाँ से आते हैं। इन सभी जो हमने जो काम किया उसके पीछे हमारे जो प्रिंसिपल्स थे, हमारे जो प्रधानाध्यापक थे, क्योंकि हमें बच्चे कहाँ से मिलेंगे सबसे बड़ा चैलेंज था। और उस चैलेंज को साथ देने के लिए हमारे प्रधानाध्यापकों ने जो 2800 राज्य से और 9 यूनियन टेरेटरी से हमें बहुत साथ दिया, और उसकी वजह से हम इस मिशन को काफ़ी अच्छी तरीके से चला पा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि इन सभी प्रधानाध्यापकों ने जो हमारे देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई 75 ईयर में आज़ादी के अमृत काल में हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो उसी चीज़ को IIBAM ने अपने साथ लिया और हमने स्टार्ट किया 75 प्रिंसिपल, 75 अवार्डीज और 75 ईयर्स। 75 साल में हम हैं, 75 प्रिंसिपल्स हैं और 75 अवार्डीज हैं। लेकिन क्योंकि ये अवार्ड जो है कलाम सर के नाम से है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिक्षा सर्वोच्च सम्मान, भारतीय शिक्षा पद्मभूषण सम्मान, नेशनल चिल्ड्रन एक्सेलेंस अवार्ड जो कि छोटे बच्चों के लिए है, और इस अवार्ड फंक्शन में 205 लोगों को भारत के विभिन्न राज्यों से आए हैं, और साथ ही साथ दुनिया के देश के भी हमारे पास इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। और इस अवार्ड फंक्शन के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि देखो, आप ज़िंदगी में कुछ भी करो सबसे पहले देश होता है, इसलिए हमेशा दिमाग में रखो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। यस, IIBAM फाउंडेशन जो है अभी जो है सेटेलाइट एजुकेशन पर काम करती है। सेटेलाइट एजुकेशन में क्या होता है कि हम बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जब मैं छोटा था बचपन में तो मेरे जो गुरु थे वो बोलते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, वो बोलते थे बेटा अच्छे काम करोगे तो नासा में जाओगे। लेकिन मेरे मन में एक हमेशा बात चलती रहती थी कि हमारा ISRO जो इतना अच्छा काम करता है हमारे देश के लिए, उसका नाम लोग क्यों नहीं ले रहे। तो एक वजह थी इग्नाइटिंग ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड फाउंडेशन को स्टार्ट करना। हम क्या करते हैं कि बच्चों को पहले जो पहली ट्रेनिंग है उनको बेसिक आइडिया देते हैं कि सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट कैसे बिल्ड होती है और सैटेलाइट कैसे काम करती है। उसके बाद जो उनका जो सेकेंड सेशन होता है उसमें हम बच्चों को ये बताते हैं कि सैटेलाइट को बिल्ड कैसे करना, और उसमें तीन से एक हफ्ते का वर्कशॉप होता है, 3 दिन से 1 हफ्ते का, जिसमें बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है और बच्चे खुद की एक फेमटो सैटेलाइट बनाते हैं। अभी आपको मैं बहुत खुशी के साथ ये जानकारी देना चाहूँगा कि इन सभी कार्यों के कारण भारत सरकार ने तो हमें मान्यता दी ही है, UNO ने तो हमें रिकॉग्नाइज किया ही है, साथ ही साथ ISRO जो कि इंडिया की सबसे पावरफुल एजेंसी है, जो कि वर्ल्ड की भी बहुत ही पावरफुल एजेंसी है, उन्होंने भी हमें रिकॉग्नाइज किया है। एंड नाउ वी आर रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो IIBAM वही कर रही है जो हर एक भारतवासी को करना चाहिए, झंडा ऊँचा रहे हमारा, इस मिशन पर काम कर रही है। 70 कंट्रीज में हमने फ्री में स्पेस प्रोग्राम चलाए हैं बच्चों के लिए, और आने वाले समय में 195 कंट्रीज में चलने वाली है आप सभी के सहयोग से। ये देखिए IIBAM की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है ये अवार्ड शो, और मैं यहाँ पे बहुत ही अपने को खुशनसीब समझता हूँ कि एज ए चीफ गेस्ट आया हूँ, और यहाँ पे जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने कि देश के लिए काम किया है उनके लिए जो है अवार्ड शो किया जा रहा है, बिकॉज ये लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, और ये अभी ये पहली शुरुआत है, ये पहली शुरुआत है अवार्ड शो की। और ये जो अवार्ड शो में जितने भी प्रिंसिपल प्रेरित हो रहे हैं IIBAM के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि IIBAM का प्लेटफॉर्म 195 कंट्रीज़ में है, और यहाँ पे टोटल जितने भी जो हैं प्रिंसिपल्स और एजुकेटर्स सब इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज 200 लोग जो है 200 प्रिंसिपल ये जगह कम पड़ जा रही है, यहाँ पे आकर के हम ये अवार्ड शो का वो कर रहे हैं, और ये इसमें इस स्वागत वाली भी बात है, देश के गर्व की बात है, क्योंकि हम बात करते हैं IIBAM से नेशन फर्स्ट।
जो प्रधानमंत्री साहब हमारी बात करते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाना है, उस पर ये काम हो रहा है। थैंक यू सर। हो गया अवार्ड शो का कार्यक्रम किया गया है, किस तरह से देखते हैं? दिस इज़ बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय IDYM फाउंडेशन फॉर ऑल द प्रिंसिपल्स एंड दिस अवार्ड सेरेमनी इज़ रियली रिमार्केबल, मेकिंग एवरी पर्सन एवरी इंडिविजुअल गेटिंग मोटिवेटेड एंड कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू देयर ओन सेल्फ सो दैट दे कैन परफॉर्म वेरी वेल एंड बिकम अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। Thank you. I'm not a good speaker. I'll just speak a single word only. I'm giving my gratitude to the all the entire team. Thank you so much. मैं IDYM और बाकी मेरे सारे दोस्तों का आभारी हूँ। दोस्तों हम लोग DNE में काम करते हैं, डर्मेटोग्लिफिक्स न्यूरो साइंटिफिक एवोल्यूशन, जो किसी भी व्यक्ति के इनिट पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को इवेल्यूएट करके देता है और उसमें छुपी हुई खूबियाँ और खामियाँ क्षमताओं को आइडेंटिफाई करके देता है और उसको अपना ट्रू पैशन जीने के लिए उसको हेल्प करता है। बेसिकली हम लोगों के स्ट्रेस कम करते हैं, कपल कॉम्पेटिबिलिटी करते हैं, प्रीपोज मैरिज काउंसलिंग करते हैं और आज इस वजह से मुझे ये अवार्ड दिया गया है, तो इसलिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। अरे आज हा भारतीय शिक्षा पद्मभूषण पुरस्कार हा मला मिळतो आहे, कारण न्यूमरोलॉजीमध्ये जे उल्लेखनीय कार्य केले आहे त्याबद्दल मला गौरव करण्यात आला आहे, खूप आनंद होतो आहे। आणि आय वुड लाईक टू थँक माय ठाकूरजी, माय फॅमिली, माय फ्रेंड्स, माय लवली पेरेंट्स, माय लेट ग्रँडफादर अँड देन the success to the journey to the goal is I believe is इस जर्नी में जितने लोग आपको मिलते हैं, जितने मेंटर्स आपको मिलते हैं और उनसे आप जो सीखते हैं, यही इस जर्नी का सच्चा सबक मुझे ऐसा लगता है। और ऐसी चीज़ें और मिलती रहे बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू वन एंड ऑल। लास्ट में वही कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। IDYM for giving me the award as a national art for being, and I just want to say one thing, just follow your passion and connect to your soul, and this is the thing which we get when we connect with a soul and with a passion. Thank you so much. Thank you. Vijal Dalar as a DMIT consultant, graphologist and neurologist, jisse ek cheez to ye hai ki definitely itne time se karne pe hame kahan emotional quotient hai, kahan emotions pe bachcho ko samjhana hai ki bachcho ko deal karna hai, ki bachcho ko motivate karna hai, ki as the competition world ko kaise kahan face kare, isse बहुत हेल्प होती है और हम काफ़ी इसमें मोटिवेट करके बच्चों को आगे बढ़ा पाते हैं। थैंक यू। मैं नन्ना ज्ञान फाउंडेशन की संस्थापक हूँ। मैं स्पेशल बच्चे और ऑटिज्म के ऊपर काम करती हूँ और ये बहुत ही बढ़िया, इतना अच्छा सम्मान मिलना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा खुद को प्रोत्साहन देने की बात है कि हम उन बच्चों के ऊपर भी काम कर पाते हैं या वो चीज़ों को भी रिकग्नाइज कर पाते हैं जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता या मन बुद्धि समझ के छोड़ देता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स आप सबको और IDYM को। ये बेसिक, ये मेरे लिए तो इतना क्लास वेन्यू है क्योंकि मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है। यहाँ के कोई भी क्लासरूम या कोई भी हॉल ऐसा नहीं है जिसमें मेरी स्पीच नहीं हुई है। और एंड में जो मिशन पे हम एजुकेशन फील्ड पे है, बच्चों की लाइफ को चेंज करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, और एंड में यही कहना चाहूँगा मेरी कंपनी की ओर से, लाइफ पाथ एकेडमी की ओर से, कि अगर खुशियों की कोई दुकान है जिसकी हमें पहचान है, इतनी खुशियाँ भर देंगे उनके जीवन में, भले उसकी कीमत हमारी जान है। थैंक यू। डॉक्टर भावना चावला, मैं भोपाल से आई हूँ, सिंस ऑफ कॉन्वेंट से। मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ। यहाँ आके बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है यहाँ एजुकेशन को, और ये एक तरह का मिशन है जिसे हम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रविसर कर रहे हैं, जिसके लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पेस का और टूर का एजुकेशन मिल रहा है। एंड अलॉन्ग विद दिस इज़ अ ह्यूज प्लेटफॉर्म गिवन टू दी स्मॉल यंग जनरेशन हु इज़ द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री। सो थैंक यू सो मच रवि सर, IDYM, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मशरू। मीरा महेंद्र महानगर पालिका में
एज अ टीचर काम करती हूँ वहाँ आदिवासी और गरीब बच्चों की सेवा के लिए। और ये आई डी वी एम ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था टीचरों के लिए, सोशल वर्कर के लिए। तो थैंक यू सो मच आई डी वी एम जो हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और हमें इससे नवाजा। थैंक यू। थैंक यू सुमाया रेशमा, ह्यूज 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 हैप्पी बिकॉज आई एम ऑनर्ड विद दिस डॉक्टर अब्दुल कलाम भारतीय शिक्षा पद्म भूषण पुरस्कार 2023। एक्चुअली ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई एम सराउंडेड विद सो मेनी इंटेलेक्चुअल विजनरी पीपल एंड एजुकेशन इज समथिंग वी कैन अफोर्ड एटलीस्ट फॉर दी फोर किड्स बिकॉज पॉवर्टी इज cannot deprive from their education. Education is not only supporting a life, it is something which we can, it's a cheapest defense our country can have. As Ravi says, nation first. I'm thankful to IDIM and thank you so much. This is increasing my responsibility more. My name is Sarika Jaiswal and I'm a relationship coach and a mental health practitioner. और मैं आई डी वाई एम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमें इस अवार्ड से नवाजा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे परिवार की शुरुआत जो है माँ बाप से होती है। माँ बाप का रिश्ता बहुत गहरा असर डालता है किसी बच्चे की ज़िंदगी में। तो अगर माँ बाप का रिलेशन बहुत अच्छा है तो वो अपने बच्चे के ऊपर बहुत अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो इसलिए एक अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत करने के लिए आपको किसी मेंटल हेल्थ या कोच या किसी थेरेपिस्ट के पास जाकर अपना रिलेशनशिप बेटर करना हो प्लीज़ डू इट। और हम जैसे कोच या कंसल्टेंट आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये हमारी तरफ ये ऐसे रहेगा। एक्चुअली आई वुड लाइक टू थैंक IDYM फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी विद दिस अवार्ड। और मैं चाहती हूँ कि ये रिकॉग्निशन हर जगह हो ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कि हमने देश के प्रति, अपने देश के बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सो आई वुड लाइक टू थैंक IDYM फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू विश देम अ ब्राइट फ्यूचर एंड सक्सेस। आई एम वनीता मैकेंडे फ्रॉम सोलापुर। आई वुड लाइक ऑल द टाइम टू टीच एंड टू लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फॉर आवर चिल्ड्रेन। दोज आर द पिलर्स ऑफ आवर नेशन। मैंने बच्चों को 40 साल से पढ़ाया है, अपनी अध्यापिका थी तब और बाद में भी रिटायरमेंट के बाद भी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ और ऐसे बच्चों को पढ़ा रही हूँ कि जो सिर्फ स्कॉलर बन के कुछ बनना नहीं चाहते, जिनको पढ़ाई समझ में नहीं आती, जिनकी कैपेसिटी नहीं है, ऐसे बच्चों को मैं पढ़ाना चाहती हूँ ताकि वो भी अपने अपने परिवार का भविष्य है, देश का भविष्य है। और शिक्षा ही ज़रूरी है कि जो हमारे देश की तरक्की कर सकती है और शिक्षित लोग की सोच हमारे देश की नैया को बांध लगा सकती है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद देता हूँ जो कि आप जो इतना काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अवार्ड, कोई भी पुरस्कार मिलता है तो जिसको मिलता है उसका तो सम्मान होता है, परंतु मीडिया लोगों तक पहुंचाती है इसीलिए उसका सम्मान होते रहता है। इस फाउंडेशन पे जो उन्होंने आज लोगों को सम्मान दिया है उनको भी धन्यवाद, फाउंडेशन को धन्यवाद। और आप मीडिया कर्मी ऐसे ही हमारे आवाज़ को हमारे लोगों तक, भारतीयों तक पहुंचाते रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कड़क सर, कड़क जी मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि दिस अवार्ड्स एक्चुअली एजुकेशन फील्ड के लोगों के लिए है। एजुकेशन इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, इट्स अ कॉलिंग टू नर्चर द माइंड्स, यंग माइंड्स एंड हार्ट्स। सो हियर इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड टेक केयर ऑफ दैट कि वी आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स एंड यंग माइंड्स। सो वी हैव टू नॉट जस्ट
thinking about the reducing the pressure of students as well as increase the resilience of the students. So this award definitely will boost my energy to do these things. So thank you, IDYM, and thank you all of you. Thank you. Next Mission Academy. IDYM फाउंडेशन ने आज भारतीय शिक्षा पद्म भूषण पुरस्कार 2023 से मुझे नवाजा है। इसके लिए IDYM फाउंडेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जितने भी मेरे कलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पार्टनर्स, पेरेंट्स, सारे लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले 15 सालों से शिक्षा के इस क्षेत्र में काम करते हुए जो एक्सपीरियंस आज तक आया हुआ है, सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे IDYM फाउंडेशन ने जो इस पुरस्कार से नवाजा है, उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सभी मीडिया कर्मियों को जिन्होंने इतना सम्मान दिया, IDYM ग्रुप को जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें सम्मानित करने का काम किया, और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। झारखंड से हूँ और मैं एक कोटेशन बोलना चाहता हूँ, एक लाइन से, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ड्रीम इट एंड डू इट। Thank you very much.